रणवीर की फिल्म 83 में हुई साकिब सलीम की एंट्री, इस दिग्गज क्रिकेटर का किरदार निभाते आएंगे नजर। मेरे डैड की मारुति से मशहूर हुए बॉलीवुड एक्टर साकिब सलीम की कबीर खान की फिल्म साल 1983 वर्ल्ड कप पर बन रही 83 में एंट्री हो गई है। इस फिल्म में उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे कपिल देव का किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि साकिब सलीम इस फिल्म में क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ का किरदार निभा सकते हैं। वहीं कबीर खान की फिल्म में रानी मुखर्जी की मर्दानी में विलेन की भूमिका निभाने वाले एक्टर ताहिर राज महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर की भूमिका निभा रहे हैं। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम इससे पहले जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्म धीशूम में नजर आए थे, जिसमें इन्होंने एक स्टार क्रिकेटर की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म एक्शन ड्रामा पर आधारित थी, लेकिन कबीर खान की 83 पूरी तरह क्रिकेट पर आधारित होगी। इस फिल्म में साकिब सलीम को क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ का किरदार निभाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। रणवीर सिंह ने तो गली बॉय के प्रमोशन के बाद इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी है। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि अभिनेता ताहिर राज हसीन को कबीर खान ने सुनील गावस्कर के रोल के लिए फाइनल किया है। कबीर खान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। ताहिर ने इस बारे में कहा कि वे इस समय सुनील गावस्कर की तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही उनसे मिलने के लिए काफी उत्सुक हूं। ताहिर ने बताया कि वे हफ्ते के 3 दिन बैटिंग और 3 दिन बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं और हर एक छोटी बात पर ध्यान देते हैं। कपिल देव ने खुद कहा कि फिल्म के फर्स्ट लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि ये बायोपिक नहीं है, फिल्म में बस उनकी जिंदगी के कुछ पहलू नजर आएंगे जो क्रिकेट से जुड़े हैं। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पिछले दिनों ही की जा चुकी थी। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज की जाएगी, जिसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट करण आदाश ने इस बात की जानकारी दी थी।